हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना भाई। देखो इसमें क्या करना भाई, इसमें भी फार्मूला आपको वही अप्लाई करना है सर्वसमिका, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका फार्मूला सबके दिमाग में खोपड़ी में बस गया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, ये बहुत पहले से याद है, हाँ कंपटीशन में याद हो जाया करते थे बचपन में। यहाँ पर हमें एक काम करना है, एक मानक मानना है, ए बराबर क्या मानेंगे, ए बाई टू भैया हो, ए की जगह पर ए बाई टू, हाँ, और बी की जगह पर बी बाई फाइव, तो बी की जगह पर बी बटा पाँच, ये हमें याद करके रखना है कि हमने इसको ये माना था, इसको ये डिब्बा में बंद कर दे रहे हैं, सवाल लगा के खोलेंगे, हाँ तब तक ये कहीं जाएगा नहीं, सुरक्षित रहेगा। तो जहाँ जहाँ पर ए है तो भाई साहब बाबू वहाँ पे रख दोगे ए बाई टू, क्या रखोगे ए बाई टू, इसकी घात वैसे ही लग जाएगी। जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर रखेंगे बी बाई फाइव, मतलब बी बटा पाँच, घात तीन वैसे ही हो जाएगी। यहाँ पर ए आना था तो ए बटा दो आएगा, यहाँ पर बी आना था तो बी की जगह पर बी बटा पाँच आएगा, ये ए बटा दो धन बी बटा पाँच। इतना सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई हैरानी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल देखो, दिल से देखो, एकदम मस्त तरीके से समझो, कहीं जाना नहीं है, देखते रहना बस, देखना मगर प्यार से, मगर थोड़ा मीडियम वाला प्यार। चलो आगे देखो, समझो अब क्या होगा। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया दिख कहाँ तक रहा यार, ए बटा दो तीन इसका मान क्या होगा। आप लोग में से तो अक्सर कुछ जानते होंगे, मुझे तो काफ़ी चिंता उनकी सताए जा रही जो कोरोना बैच के पास होके आए हैं, कोरोना बैच में जो पास हुए हैं 2021 में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल मार्गदर्शन में, ना पढ़े लिखे मतलब किसी भी तरह से सब पास हो गए, मस्त हैं। उनको तो यूँ नहीं पता होगा कि होगा क्या, हाँ उनकी तो बड़ी मुसीबत होगी, वो सारी मुसीबत हमारे खोपड़ी पर ढकेल देंगे, आके जीरो लेवल ज्वाइन करेंगे, उनको यूँ नहीं समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग समझते चलो, हो सकता है आप भी उसी में से हों, कोरोना बैच से तो अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है भाई, आपके बारे में बोल दिया, मुझे नहीं पता कि आप भी इसी में थे। चलो देखो, इनको क्या करना होता है, तीन घात का मतलब ये होता है कि बच्चा हो बाबू हो, इन्हें हम तीन बार गुणा करेंगे, ये जितना घात लगा उसका वही मतलब होता है। तो ए तीन बार गुणा होगा तो मालूम है इसकी चुरकी पे एक एक घात है, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, एक घात तीन हो जाएगा। दुई का तीन बार गुणा करोगे तो दुई दुना चार और चार का दुई में आठ, बस यही तो होता है ना यार, ए का पावर तीन अपान आठ, मतलब इसे एक भाषा में पढ़ो, शुद्ध भाषा में ए का क्यूब बाई एट, या देसी भाषा में पढ़ो एक घात तीन बटा आठ। चलो तो ये ए का क्यूब बाई एट हो गया, और प्लस उसी तरह से ये हो जाएगा बी का क्यूब, पचम पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस, प्लस ये हो जाएगा भैया तीन ए बी और नीचे दो पंचे दस, और ये आपका बड़ा एक खतरनाक रोल अदा करेगा, जोड़ दें कि ना जोड़ें, गुणा कर दें जैसा कहो आप, जोड़ ही देते हैं। वैसे आंसर तो डायरेक्टली दिया होगा, लेकिन हम करेंगे, कुछ भी आ जाए करना पड़ेगा। चलो पाँच और दो का एलसीएम ले लो, दस होगा, दस होगा ना, दो से भाग करो तो ये हो जाएगा पाँच ए प्लस, ये कितना हो जाएगा भाई साहब दो बी, बस हो गया इसका काम ख़त्म, इसके आगे जाएगा ही नहीं। वैसे इसका चाहे तो अंदर में गुणा कर लो, अगर तुम्हें शौक लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ थोड़ा और लंबा खींच जाएगा, इसको लिख लीजिए, मैं इधर साइड में इसको और भी जुगाड़ लगाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उधर साइड तो जगह है नहीं ज़्यादा, नीचे अब लिखूँगा लंबा हो जाएगा। चलो इतना समझ रहे हो, इसको पीछे भी लोग छोड़ देते हैं, जहाँ पर ये मान रख दिया ये हो गया यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसको पूरा ले चलेंगे जहाँ तक इसमें गुंजाइश है, थोड़ा भी अगर सांस रहेगी इसमें तो हम उसको घसीटेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको हमें पूरा सिखाना है ना, समझिए। अब इनकी सारी जो भी एक्टिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, इनकी अब कोई एक्टिंग नहीं बची है, अब इनको ऐसे लिखते चलना है बस, साथ में ये फर्ज निभाते चलेंगे, बाकी इनकी कोई अब ज़रूरत नहीं है। प्लस अब इसमें तीन ए बी का गुणा करना है हमें पाँच ए प्लस टू बी में, ये मैं बहुत पहले तुम लोगों को सिखा चुका हूँ, अब कुछ लोग कहेंगे हैं कहाँ सिखाए हो, सही बात है, अगर कक्षा छा वाला कोर्स सही से देखे होगे तो मिल गया होगा। इनका गुणा करने का मतलब है पहले इनका गुणा पूरे में इतने में करो,
यानी फाइनल में 3ab का 5a में गुणा करो, ये पहले का ही मतलब है। तो 3 का 5 में गुणा करोगे बच्चा तो 15 हो जाएगा बाबू, और ab का गुणा a में करोगे तो भाई a का तो जोड़ी मिल गई, साथी मिल गया, इसका सथनी मिल गई, तो इसकी घात 2 हो जाएगी, और b बेचारा अकेले है, इधर कुछ है ही नहीं है, तो b ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15a² b। कितना हो जाएगा? 15a² b। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो मिल गया इसका पूरा सलूशन, नहीं अभी इसका इसमें किया तो ये 15a² b मिला, प्लस उसी तरह से 3ab का 2b में गुणा करोगे तो 3 × 2 = 6, a यहाँ अकेले रह जाएगा, इसमें b का साथ ही मिल रहा है तो b का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3×5 = 15, a का स्क्वायर b प्लस 3×2 = 6 ab² ये बन गया फाइनल। ठीक है, कोई इसमें हैरानी परेशानी नहीं किसी को ना बाबू। चलो तो मैंने क्या किया, इनका पूरा ऊपर गुणा कर दिया, इतना हो गया, नीचे का तो बड़ा ईजी है, आसान है, 10 हो जाएगा। तो फाइनल में हम इसे लिख देंगे क्या, 15a² b प्लस 6ab² अब समझना क्या लिखा हूँ, मैं नहीं बताऊँगा फिर, अब ये तो इतना में ख़त्म हो गया यार, बस यही आंसर हो गया, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला इसमें। देख लेता हूँ कुछ और भी इसमें किया गया कि नहीं, वैसे तो कुछ नहीं किया गया होगा, इसके आगे कुछ होगा ही नहीं, करेगा क्या इसमें, थोड़ा सा हम और बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें तो, वो क्या है यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया लगभग में पूरा हो गया है, एक लाइन इसे और भी बढ़ा सकते हैं, कहीं कहीं लोग कर देते हैं, a³/8 और ये b³, ये 125। साथियों जैसे इसके नीचे 100 है ना, ऊपर प्लस लगा है, इसका मतलब ये क्या है, पैतृक संपत्ति है नीचे वाली, ये दोनों बेटे बेटियां हैं, तो भैया बाप की संपत्ति में सबका हिस्सा होता है, इनका अलग अलग बंटवारा भी कर सकते हैं, अलग अलग बंटवारा का मतलब ये कि 15a² b / 100 इनके नीचे भी कर दो, प्लस ये 6ab² इनके नीचे भी 100 कर दो, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो तुम, क्योंकि ये बड़ी लाइन जो है पूरे दोनों के नीचे है। अब ये थोड़ा सा और कटे मरेंगे, क्योंकि भाई अलग होता है जब कोई ना, तो उसमें बैर तो होती ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है ना। अब देखो ये आपस में कटेंगे, ये 5 से काटो तो 5 × 15 ये 20, यानी 3a² b नीचे 20 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 50 आएगा, और ये 3ab² नीचे 50 आएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका फाइनल में ये भी हो सकता है, ऊपर भी आप इसे छोड़ सकते हो जहाँ तक मैंने किया था, लेकिन अगर कहीं एकदम लास्ट अंतिम चरण तक करना है तो यही होगा। सबको समझ में आया ना, अच्छे से दिख रहा पूरा ना, पूरी स्क्रीन आपको क्लियर हो रही है, तो नोट कर लीजिए, लिखते चलिए फटाफट, बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे कहीं इसका कोई विशेष मतलब नहीं लगता है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन करना आप यहाँ से सीखोगे कि कैसे अगर सिचुएशन गड़बड़ होती तो उसे कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। चलें आगे बढ़ें, अगला किस टाइप का है भाई, देखो ध्यान से, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलो देखो आप लोग स्क्रीन देखो, इसमें का एक क्वेश्चन है जिसे अब आप लोग खुद से करोगे, मैं ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न मिटा रहा हूँ, कोई सलूशन नहीं मिटा रहा हूँ। चलो जो मैंने माना था वो मैं मिटा रहा हूँ, हाँ, और मैंने क्या माना था, अरे सूत्र में रखा था, बाकी कुछ अलग से माना होता तो उसका मान भी रखना पड़ता, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। एक सवाल है, इसे आप लोग खुद से करोगे, एक प्रश्न है, 3y + 1/4y, 3y + 1/4y इसका होल क्यूब, इसे आप लोगों को खुद से रखना है फार्मूले में इस तरह से, और आंसर करना है, ठीक है, सभी कर लेना, किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए बाबू, ठीक है।